बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद कर दिया जी तुसी अल्लाह दी रहमत नाल बहुत ही वधिया होवोगे जी। अज मैं लैके आया बहुत ही मज़ेदार जी रैसपी, बहुत ही आसान जी रैसपी बिल्कुल जी। अज आप बनावांगे दाल माश ते चने दी दाल नूं मिक्स करके बहुत ही वधिया जी रैसपी अज इहदे नाल आप तैयार करांगे। इहदे वास्ते जी सानूं छावां चाहीदियां ने, इहदे वास्ते दाल माश लै लिया ते चने दी दाल लै ली। इहनां नूं जी मैं प्रैशर कुकर दे विच गाल लिया। नाल सानूं चाहीदा एक प्याज, एक टमाटर, अदरक लसन दा पेस्ट चाहीदा, नाल सानूं चाहीदा जी हरा धनिया। ये नाल जी वधिया जी लाजवाब जी आप रैसपी तैयार करांगे, बहुत ही वधिया हांडी बनती है जी। शुरू कर दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले जी तुसी कढ़ाई दे विच इदा घ्यो शामिल कर लेना है, तुसी आयल भी शामिल कर सकते हो। तो मैं घ्यो दा शामिल करके इन गर्म करके ये जी तुसी जिहड़ा है ना प्याज छोटा छोटा कट के बरीक इनू ये शामिल कर देना। इनू थोड़ा जिहा तुसी तड़का लवाना है, इन्ना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, तुसी इनू सुनहरा नहीं करना। उहदे विच नाल ही तुसी शामिल कर देना है अदरक दा पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक दा पेस्ट शामिल करके जी इनू भी तुसी तड़का ला लेना है, ठीक है। इनू तड़का लगाना, अच्छी तरह भुन लेना विच। ते इस तों बाद जिहड़ा ना असी शामिल करना इहदे विच लहसुन दा पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन दा पेस्ट शामिल करके जी असी इनू भी भुन लेना है। बिल्कुल आसान रैसपी है जी, बिल्कुल जिहड़ियां लड़कियां ने कदी नहीं कोई हांडी बनाई हुंदी ओह वी इह रैसपी देख के इंशाल्लाह जरूर वधिया जी इह सब्जी या हांडी बना लेंगे, जरूर बनानगियां इंशाल्लाह। ते इन्हां सारियां छावां नूं जी असी इसे तरीके नाल तड़का लगा लेना, लगा के इहदे विच जी असी टमाटर शामिल कर दें। टमाटर भी मैं छोटे छोटे जिहड़ा है ना उहनां दे पीस बनाए सी, छोटा छोटा उहनां नूं कट लिया। इहनां नूं भी जी असी जो शामिल करके ते वधिया जिहा इहदा तड़का ला लेना असी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके नाल जी इहनूं भुन लेना असी। लाजवाब जायकेदार बनूगी इंशाल्लाह। इस तरीके ना भी तुसी जरूर बना के देखो, तो सब जरूर शौक दे नाल खाणगे ते दोबारा फरमाइश करके बनवाणगे जी। इन्हें तड़का लगा के सारियां शामिल, थोड़ा जिहा असी इहदे विच पानी शामिल करना ताकि जिहड़ा टमाटर है ना ते प्याज इहदा कच्चा पन ना रह जाए, ये भी दोनों छावां गल जाण वधिया जिहा। इसलिए असी जी इहदे विच पानी थोड़ा जिहा शामिल करना वा इस तरीके नाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ते नाल हुण जी असी मसाले जिहड़े ना ओह शामिल करी जाणे ने। मैं दरदरी मिर्च शामिल कीती, तुसी अपने जायके दे मुताबक शामिल करनी जी। मैं एक चम्मच शामिल कीता, नाल जी एक चम्मच जिहड़ा ना असी नमक दा शामिल कीता। नमक ज़्यादा नहीं इहदे विच इस्तेमाल, दालां विच इस्तेमाल करीदा। नाल जी शामिल कर दो जी तुसी छोटी चम्मच जिहड़ी है ना हल्दी दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना शामिल कर दो जी तुसी धनिया पाउडर, सुक्का धनिया पाउडर जिहड़ा ना ओह शामिल कर दो। नाल तुसी शामिल कर दो जी जीरे दा पाउडर, इन्हां नूं जी शामिल कर दो। करके शामिल तो तुसी इन्हां नूं जी चंगी तरह हिला लेना है, वधिया जिहा इन्हां नूं भी भुन लेना तुसी इस तरीके नाल जी। नाल हुण जी तुसी शामिल कर देनी है काली मिर्च, एक चम्मच जिहड़ी है ना मैं काली छोटी चम्मच जिहड़ी काली मिर्च दी इस्तेमाल कीती है, इहनूं इहदे विच शामिल कीता। बहुत ही लाजवाब जायका बनता इहदे नाल। ते हुण जी इहनां नूं असी ढक के ते पका लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके दे नाल जी ते ढक के इहनां नूं मैं पकाया सी, तड़का ला लिया वधिया जिहा। हुण इत्थे शामिल करांगे जी असी गर्म मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मसालिआं नूं असी पहले तड़का ला लिया ते इहदे विच फिर बाद च असी इही शामिल करना। हुण थोड़ा जिहा असी विच पानी शामिल कर देंगे ताकि सारा मसाला जिहा वधिया जिहा माशाला जी बन जाए, इहदे भुनिया जाए चंगी तरह का, कोई कच्चा पान ना मिर्चा ना रहे। तो असी थोड़ा जिहा विच पानी शामिल करके इनू हिला के तो इन थोड़ी देर पका लवेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हाँ जी असी 2-4 मिनट वास्ते इनू पकाया सी, वधिया जिहा सोहना जिहा साडा मसाला तैयार हो गया। बहुत वधिया जी ग्रेवी जिहड़ी है ना साडी दाल लई बन गई है, ठीक है। बहुत ही आसान रैसिपी है। दाल नूं पहले तुसी गाल लेना है, बाद विच असी इहदा तड़का लगा के ते तुसी इहदे विच दाल शामिल कर देनी है, ठीक है जी। बहुत ही आसान रैसिपी है, बहुत ही लाजवाब बनूगी, सब नूं बहुत ज़्यादा पसंद आऊगी ते बच्चे भी माशाला बहुत शौक दे नाल खा लेंगे जी। हुण जिहड़ा असी जिहड़ा तड़का लगाया ना इदा इस तरीके दे नाल जी सारी ग्रेवी बनाई आ बहुत वधिया जी। ते इहनूं जी हुण असी एक प्लेट दे विच कढ लेना है ताकि दोबारा सानू जिहड़ा दाल दे उपर असी तड़का लगाईदा है ना ओह ना सानू लगाना पवे। ते इस वजह तो असी पहलों ही इहदे विचों मसाला जिहड़ा है ना थोड़ा जिहा घ्यो ते मसाला जिहड़ा ओह कढ के असी साइड ते रख लैणा ताकि जदों साडी दाल बन जावे फिर इहनूं असी इहदे उपर पावांगे ते इहदे उपर लगावांगे। फिर इहदे जी जिहड़ा असी दोबारा तड़का लाईदा ना दाल नूं फिर ओह लाउण दी जरूरत नहीं पएगी तुहानूं, ठीक आ। इस तरीके नाल तुसी अलग करके रख लो जी। नाल ही जी असी इहदे विच शामिल कर देंगे जी दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोवें दालां जी असी शामिल कर दित्तियां इहदे विच ते इहनूं जी असी इस तरीके दे नाल हिला लेना चम्मच दी मदद दे नाल, आहिस्ता आहिस्ता जी। ज़्यादा तुसी चम्मच नहीं हिलाना ताकि जिहड़ी दाल माश हुंदी ना बहुत जल्दी घुल जांदी आ, मिक्स हो जांदी आ ते ओह फिर स्वाद नहीं आंदा। ते इहनां नूं जी असी खड़ा खड़ा ही रखांगे इंशाल्लाह ते बहुत ही वधिया जी लाजवाब जी साडी जिहड़ी है ना अज दी सब्ज़ी जिहड़ी है ना रैसिपी साडी तैयार होएगी।
ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਭ ਬਹੁਤ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਕਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਇਹਦਾ ਲਾਜਵਾਬ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਜਵਾਬ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਹਰਾ ਧਨੀਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮਸਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਊਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਊਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ ਅਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਲੱਗੂਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਝਟਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਝਟਪਟ ਹੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਾਜਵਾਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਸਪੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਅਤੇ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।